Everybody sing that shit. What is up, everyone? This is me, Mukesh. Welcome, guys, to Mukesh Network. And we are back with another one. Yo, guys, Dhyan De by Emmy Zent and Sahil Thakur ki official music video ke saath hum aa chuke hain. Emmy Zent ko kafi time ke baad sun rahe hain. Emmy Zent jo hai, wo underground hip hop artist hai aur ubharte hue sitare hai. Bahut pehle humne unka ek reaction kiya tha aur wapas hum unka gana check out kar rahe hain. After 1.5K subscriber के बाद मैं उनका गाना react कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी proud feel हो रहा है कि actually मैं अपने channel की शुरुआत में ही you know ये underground rappers को सुनता था और उस वजह से मैं आगे बढ़ा और मेरा channel आगे बढ़ा और मैं इन सबको सुन रहा था, तभी मुझे हिप हॉप से और ज़्यादा लगाव हुआ. तभी मुझे ये पता चला कि कितने हार्ड वर्किंग आर्टिस्ट है हमारे देसी हिप हॉप अंडरग्राउंड, जो अभी तक लोगों के आंखों के सामने नहीं आए हैं, इसीलिए तो वो अंडरग्राउंड है. लेकिन वो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, अच्छी म्यूज़िक बना रहे हैं. इवन इफ उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लाइमलाइट नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी बहुत ही खतरनाक म्यूज़िक बना रहे हैं. एंड उनमें से एक है Emmy Zent, हार्ड वर्किंग पर्सन है. इट्स गुड टू बी बैक. सो लेट्स गो. Without much further ado, let's get right into this one. So ये जो अभी फ्रेम में है, मुझे ये साहिल ठाकुर लग रहा है. मुझे लग रहा है ये साहिल ठाकुर है. Let's go. Oh, I'm already liking this man. The slow motion, beautiful, beautiful visuals. Old school लग रहा है एकदम. Boom bap. Hoo, 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 hoo. Bap, bap. 2021. ये म्यूजिक मुझे कहीं सुना हुआ लग रहा है. मुझे कहीं ये म्यूजिक सुना हुआ लग रहा है. आई थिंक ये जो सैम्पल है, ये जो इंस्ट्रूमेंटल है, ये मैंने कहीं पे सुना है, बट मुझे याद नहीं आ रहा है. बट एनीवे, जो विजुअल्स जो शुरुआत हुई थी, बहुत ही ओल्ड स्कूल हिप हॉप स्टाइल में, एकदम स्लो मोशन के साथ, और जो यू नो इफेक्ट्स डाला गया था विजुअल्स पे, तो वो एकदम बहुत ही ओल्ड स्कूल लग रहा था. एंड अभी जो शुरुआत हुई है, डिवाइन और नेज़ की याद आ गई मैन. तेरे गली में, गली 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 में, उसमें भी ऐसा कैमरा वर्क था, उसमें भी ऐसे गली में वो शुरुआत किए थे. सो या गुड, मैं भी उसका रेफरेंस दे रहे, मैं भी वो बोल रहे कि यार अपना टाइम आएगा. लेट्स गो. पंजाबी डाल दिए बीच में, जो मैनू कहते थे माड़ा. Look, काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन्स है. अभी तक कुछ ऐसा ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं, लेकिन वॉइस काफ़ी क्रिस्पी सुनाई दे रहा है. बहुत ही क्लियर वॉइस है और चीख नहीं रहे. हालांकि Emmy Zent जो है वो Emmy वे के बहुत बड़े फैन है, लेकिन चीख चिल्ला नहीं रहे. He has his own style. डेफिनेटली वो Emmy वे से इंस्पायर हुए हैं, लेकिन उनका खुद का स्टाइल है. सो Emmy Zent मैन, Emmy Zent. Come on, talk your shit. दिशा दिशी हम कर रहे हैं बात, जुबान को अपनी लगाम दे, लगाम दे, लगाम दे, अब बीट से वाइब आन दे, आज जो लोग की मैंने हाँ कहने से मारा, आज वही गुरु में दुमान दे, दुमान दे, आन दे, अब बीट से वाइब आन दे, आज जो लोग की मैंने हाँ कहने से मारा, आज वही गुरु में दुमान दे, दुमान दे, ए ध्यान दे लड़े हो रहे सारी क्लासेस, सुनो ध्यान से आज जो भी करा बातचीत, रैचिक रैप ऐसा करूं बढ़ जाए सके हार्ट बीट मार पीट करके है छोड़ दिया. नाइस फ्लो, नाइस फ्लो. अभी भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन्स है, ब्रेक डाउन करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत फ्लो है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्लो. Emmy Zent सिर्फ एक 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 ही मेरा ये है कि राइप है कि थोड़ा सा और आवाज़ थोड़ा सा ऊंचा हो जाए तो मस्त, यू नो. ये वही वाला सिचुएशन हो गया जो बादशाह का अभी अभी जो गाना निकला है बच के रहना रे, उसमें बादशाह का जो सीन है, लेकिन वो बादशाह है, वो इतने बड़े स्टार है, तो वो उनका फिर भी चलता है, उनके पास इक्विपमेंट्स है, बहुत सारे एनहांस कर सकते हैं वो सब चीज़ें, वो इवन इफ वो विस्पर कर रहे हैं,
एनहांस हो सकता है, लेकिन आप प्लीज थोड़ा थोड़ा सा और थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा हो जाए तो मज़ा ही आ जाए. यू नो बीच में मेरे को लगा कि खो गया कुछ वर्ड्स, लेकिन चलता है. जो भी लिखो बातें दिल को छूती ही पॉप में बेटा मेहनत जरूरी बातें अधूरी रह चुकी भी बहुत गाने से देते हैं बेटे हंसी दे हम मौत लिखे हैं बहुत कम में अपनी दास्तां ज्ञान बते यहां पे बैठे ले हिप हॉप के पास शत्रु जाके बेटे बातों में बहुत फेड हो गया बहुत फेड हो गया. नो 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 एमिस एंड डोंट डू दिस. बहुत फेड हो गया. कम में अपनी दास्तां ज्ञान बते यहां पे बैठे ले हिप हॉप के पास शत्रु जाके बेटे बातों में ध्यान दे ज्ञान दे ध्यान दे अबे यहां पे ना छोटे तू ज्ञान दे जो भी यहाँ पे हाँ फालतू बोले उसको ले लेते हम रिमांड में रिमांड दे जब समझ नहीं आ रहा तो जान दे हंसी शादी सी हम कर रहे हैं बात जुबान को अपनी लगाम दे आन दे अब बीट से वाइफ को आन दे आज जो लोग की मैनू हाँ कहते सी मारा आज वही गुरु मैनू मान दे ए मैनू गुरु मान दे मैनू गुरु मान दे ए मैनू गुरु मान दे गुरु मैनू मान दे ए जाने दे बैठे तराने पे जिंदगी छोड़ो. Bruh, look at this. Look at this. This is what I was talking about. Voice, देखो, that, एकदम पाक करके लगा. एकदम उस पहले note से. Beautiful. मैनू गुरु मान दे गुरु मैनू मैनू मान दे ए जाने दे बैठे तराने पे जिंदगी छोड़ और मौत कबूल ये कहते दीवाने से कैसे मैं कह दूं मैं हंसता ही नहीं उलझे से लौंडे अब रस्ता ही नहीं चढ़ेंगे हत्ते तो गस्सा ही सही फेम का अब कोई चस्का ही नहीं जो हालातों से मुड़े ना वादों से खेली जज्बातों से. माय गॉड जो उर्दू वर्ड्स थ्रो किए हैं ना भाई उफ 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 तराने क्या क्या बोल दिया भाई ने यार. लेट्स गो. दीवाने से कैसे मैं कह दूं मैं हंसता ही नहीं उलझे से लौंडे अब रस्ता ही नहीं चढ़ेंगे हफ्ते तो गस्सा ही सही फेम का अब कोई चस्का ही नहीं जूझो हालातों से मुड़े ना वादों से खेली जज्बातों से भरूं मैं पन्ने तो स्याही मेरी जैसे खून से रंगी जुनून से रंगी महफूस ना रही उसी से सीखा था सहमे से रहना पर ऐसी मेरी अब सोच नहीं यादें अंदर से नोच रही चल रहे हैं मंजर वफा की आड़ पे सीने पे खंजर प्यार खत्म दिल जैसे बंजर जान दे पीठ से वाइब तू आन दे जो लोग की मैनू कहते सी माड़ा जो ही गुरु मैं ओके इन लुक ये एक्चुअली उनके उनका फ्लो बहुत सही है. यू नो थ्रो बहुत अच्छा है फ्लो बहुत सही है बहुत अच्छी तरीके से वो लाइंस बिठा रहे हैं लेकिन मिक्स मास्टरिंग में गलती हुई है दोनों के वर्स की. उनका बीच में बहुत ज़्यादा फेड हो गया जो शुरुआत हुई थी जिस तरीके से वो बीच में फेड हो गया फिर इनकी जब शुरुआत हुई थी तब अच्छा चल रहा था लेकिन वो स साउंड जो है उसको आप यू नो बहुत सारे रैपर्स जो है जब मिक्स मास्टरिंग किया जाता है तब स ड ये जो हाई पिच साउंड है ना इसको हम यू नो काटते हैं इसको हम यू नो लो करते हैं ताकि वो इम्पैक्ट लगे लेकिन आपके कान में चुभे ना. यू नो स जो है वो जब माइक में आप बोलते हो तो स जो है वो बहुत चुभता है आवाज़ उसको हम यू नो ब्लेंड करते हैं इसको ब्लेंड नहीं किया गया है यू नो इस ये रॉ हो गया है तो इसीलिए वो स जो है वो मेरे को लग रहा है अभी कान में स स लग रहा है वो तो इसीलिए वो थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है. बट एनीवे मिक्स मास्टरिंग में थोड़ा सा काम करना है बट यू नो मुझे पता है कि वो लोग बहुत ही स्पोर्टिंगली लेंगे बट उस सिवाय उसके लिरिक्स काफ़ी दमदार थे इनके लिरिक्स काफ़ी ज़्यादा दमदार है जो वर्ड्स उन्होंने थ्रो किए हैं राइम कर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके थोड़ा सा ऑफ बीट जा रहे हैं लेकिन वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से जा रहे हैं बहुत अच्छे से ऐसा नहीं लग रहा है कि ऑफ बीट जो जा रहे हैं वो बहुत ही वियर्ड साउंड कर रहा है नहीं बहुत अच्छा साउंड कर रहे हैं. चल रहे हैं मंजर वफा की आड़ पे सीने पे खंजर प्यार खत्म दिल जैसे बंजर जान दे
पीट से वाइप तू आन दे yeah, yeah, yeah. जो लोग की मैनू कहंदे सी माड़ा जो ही गुरु मैनू मान दे जान दे पीट से वाइप तू आन दे जो लोग की मैनू कहंदे सी माड़ा जो ही गुरु मैनू मान दे yeah, तू क्या मुझे रोकेगा रोकेगा आईना लव्स ये गहरे मेरे कले जमो आईना कलम से करू कतल छोटे ये क्राइम ना लौने बोले डिस करूं बेटा यहाँ टाइम ना देख मेरी कलाकारी समझ तू ये समझदारी समझू ना दुनियादारी सर पे जिम्मेदारी कल के लौने सारे बने खुद को अत्याचारी बात खत्म काफी है बात चारी Give me the way, bitches. Nice, nice. Oof, slow motion kill कर रहा है एकदम. I liked it. You निकालो, please. Shout out to you. बहुत ही खूबसूरत से direction हुआ है. You know, जैसे कि मैंने कहा कि budget की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास talent है, अगर आपके पास passion है, तो budget जो है वो last पे आता है. आपके पास एक कैमरा है, मोबाइल कैमरा भी है आपके पास, आप खुद हो, बस चलता है फिर. यू नो, आप अगर आप रिकॉर्ड मतलब म्यूजिक वीडियो भी नहीं बना सकते, तो आप सिर्फ गाना रिकॉर्ड करके भी अपलोड कर सकते हो, जो मैं कर रहा था बहुत पहले, और फिर से भी करूँगा अगर आप लोग बोलोगे तो. हम भी लाइंस लिखेंगे, हमें भी बहुत अच्छी तरीके से स्पिट करना आता है. बट एनीवे, यूनिक आलोक बहुत ही खूबसूरत डायरेक्शन था. जिस जो भी आपके पास था उसको काफ़ी बखूबी से इस्तेमाल किया गया, और लिखा बहुत अच्छे एमिजेंट साहिल ठाकुर दोनों ने काफ़ी अच्छा लिखा. एंड मैं मिक्स मास्टरिंग से थोड़ा सा निराश हूँ, क्योंकि मिक्स मास्टरिंग और बेटर हो सकता था. दोनों के वर्स में वर्सेस काफ़ी अच्छे थे, लिरिक्स काफ़ी अच्छे थे, फ्लो काफ़ी अच्छे थे. यू नो, जो यू नो साहिल ठाकुर का फ्लो था वो तगड़ा था भाई. उनके आवाज़ बहुत ही खतरनाक, बहुत ही तगड़ा आ रहा था. एमिजेंट का तगड़ा आ रहा था, बीच में फेड हो गया, एंड अगेन मिक्स मास्टरिंग की वजह से. लेकिन उनका फ्लो भी बहुत सही था, और पंजाबी लिरिक्स भी है, हिंदी लिरिक्स भी है, बार्स, राइम स्कीम्स. लेकिन या मिक्स मास्टरिंग में थोड़ा सा बस यू नो रह गया मेरे हिसाब से, वरना सब कुछ सही था. एंड ये बीट मैंने पहले भी सुना हुआ है कहीं तो कहीं ना कहीं पे तो. बट एनीवे, इंस्ट्रूमेंटल आप लेके अपना गाना बना सकते हो, इसमें कोई बात नहीं. कॉपीराइट के यू नो रॉयल्टी फ्री, या फिर आप ले सकते हो लाइसेंस लेकर इंस्ट्रूमेंटल बना सकते हो. दैट्स ऑल गुड. सो ध्यान दे एमिजेंट साहिल ठाकुर, प्लीज लेट मी नो द कमेंट सेक्शन में. एमिजेंट साहिल ठाकुर अगर आप ये देख रहे हो, सो प्लीज कीप इट अप, कीप इट अप. आई लाइक इट. प्लीज लेट मी नो द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको पसंद आया कि नहीं. ये हमारे अंडरग्राउंड हिप हॉप आर्टिस्ट है, आप इनको सपोर्ट कर सकते हो. इनका चैनल का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, गो एंड चेक देम आउट. दे आर मेकिंग कॉन्टेंट मैन, दे आर मेकिंग गुड कॉन्टेंट. चीटिंग नहीं कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी बात है. ध्यान दे एमिजन साहिल ठाकुर, प्लीज गो एंड चेक देम आउट, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. आई बी पोस्टिंग अगला कॉन्टेंट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल देन, बाय बाय.